हरियाणा विधानसभा का आज दूसरा दिन है। पहले दिन भी खूब हंगामा जो है वो देखने को मिला था फसल बीमा योजना को लेकर, जब कृषि मंत्री जेपी दलाल व कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी आमने सामने हुए थे। मुख्यमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा। अब जेपी दलाल की ओर से कहा गया है कि वो विधानसभा के अंदर प्रिविलेज लाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि वरिष्ठ नेत्री कांग्रेस की जो है किरण चौधरी, उनकी ओर से झूठ कहा गया है। ऐसे में मेरे साथ बात करने के लिए किरण चौधरी खुद मौजूद है। मैम, क्या कहेंगी, विधानसभा से पहले ही प्रिविलेज पोजीशन लाने की बात कही गई है, किस तरह से देखती हैं आप और क्या कुछ कहेंगे? जो कुछ हुआ पहले दिन आंकड़ों को लेकर कहा गया है कि झूठ जो है जवाब लगातार दिया जाता है, क्या कहेंगे? ये मंत्री जी बेचारे, इनको सारी प्रक्रिया जो है अभी पता नहीं है और तैश में आ जाते हैं जी। और सच्चाई ये है कि सच्चाई तो दुनिया के आगे है। आज जो इन्होंने ये प्रिविलेज मोशन की बात कह दी है बाहर, प्रिविलेज मोशन लाए बिना ये जो ये बात कह रहे हैं, तो ये तो प्रिविलेज तो इनके खिलाफ ही बन जाता है कि आप जो है प्रिविलेज मोशन की बात आप लेकर आइए फिर आप प्रेस में बोलिए। ये पहले बोल रहे हैं तो ये तो प्रिविलेज इनके खिलाफ हो गया, क्योंकि मेरा अधिकार एज अ एमएलए मेरा अधिकार है एंड ही कैन नॉट टेक अवे दैट राइट। तो आप आज और दूसरी बात ये है कि ये जिस चीज के ऊपर ये बात कर रहे हैं, सारा जग जाहिर है हरियाणा के अंदर कि आज हमारे किसानों के हालात क्या हो रहे हैं। आज जो है उनको फसल बीमा जो है योजना उनके जो है केसीसी कार्ड से काटी जा रही है जी। और जो है उनको जो है मुआवजा मिल नहीं रहा है जी। और उनसे बगैर पूछे काटा जाता है। मैंने तो जो जनता की आवाज़ जो मेरे पास लोग लेकर आते हैं कि जी हमारा जो है लाइनें लगती हैं, डीएपी की खाद की बात ये करते हैं, पता नहीं क्या क्या बात नहीं ये करते कि ये मिल जाएगा अगले महीने तक, ये हो जाएगा अभी तक कॉम्पनसेशन आ जाएगा, हर एक चीज़ जो है सब गुमराह करने वाली बात है। हर चीज़ जो ये बोलते हैं वो गुमराह करने वाली बात है। और जनता की हित की आवाज़ मैं नहीं उठाऊंगी तो और कौन उठाएगा? उससे इनको तकलीफ तो लाजमी होएगी, क्योंकि ये अपना काम तो पूरा करते नहीं है सही तरीके से। काम अगर ये करते तो ये हालात जो है आज के दिन किसानों के नहीं होते। और साथ ही साथ इन्होंने जो किसानों के प्रति जो इनकी भावना है वो बहुत गलत है। अब शब्द ये जो है किसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं सुन रही थी, एक मेरे पास एक वीडियो आया था, उसके अंदर ये कह रहे हैं कि ये बहरूपिये हैं, किसान नहीं है ये बहरूपिये हैं। फिर कहते हैं किसानों को आतंकी बोला हुआ है, किसानों के मखौल उड़ा हुआ है, कभी चीनी है, कभी बाहर से आए हैं, कभी टेररिस्ट हैं, पता नहीं क्या क्या बातें इन्होंने किसानों के प्रति नहीं कही जब ये किसान आंदोलन था। और तो और बात छोड़िए, ये तो मतलब कोई भी आदमी इतनी क्या इनके अंदर अहंकार आ गया है कि जो किसानों ने शहादत दी, जिन्होंने जो है सड़कों पर बैठ के चिलचिलाती धूप के अंदर और जो है कड़कती ठंड के अंदर जो है किसान तीन काले कानूनों के खिलाफ जो विरोध आवाज उठाई, उनके उनके ऊपर जो है उनका उनकी मौत के ऊपर मुखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया। ऐसा आदमी जो इस, और वो कृषि मंत्री इस प्रदेश का, ये सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्य की बात है, इससे बड़ी और दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आज क्या परिदृश्य देखने को मिला, एक बार फिर से आमने सामने होंगे, आप भी तैयारी कर रही है कि प्रिविलेज उनके खिलाफ लाया जाए कि पहले ही प्रिविलेज मोशन की बात कर दी गई? देखिए कानूनी तौर पे मैं लड़ाई लड़ूंगी, मैं सक्षम हूँ, मैं भी वकील हूँ, 10 साल वकालत मैंने भी करी हुई जी, 5 साल 5 बारी की मैं भी एमएलए हूँ जी। मैं ये सारी प्रक्रियाओं को जानती हूँ और ये अच्छा अवसर देंगे वो मुझे कि जहाँ पे मैं इनको अच्छी तरह से एक्सपोज कर सकूँ। जनता की आवाज उठानी है मैंने, मैंने तो जनता की बात करनी है और जनता की बात सदन के अंदर करने में कोई मेरे को गुरेज नहीं है और कोई मेरे को रोक नहीं सकता। जनता की जो हित की आवाज होगी और सच्चाई की आवाज होगी वो विधानसभा में किरण चौधरी की हमेशा गूंजेगी और उसको दबाने की कोशिश कोई नहीं कर सकता। क्या मुद्दे अहम रहने वाले हैं मैम? ये भी निकल कर आ रहा है कि नू पर पहले दिन कोई चर्चा नहीं हुई, नू बड़ा मुद्दा था लेकिन विपक्ष की ओर से उस पर कोई बात या कोई एक शब्द तक जो है वो नहीं कहा गया विधानसभा के अंदर, क्या कहेंगे? मैं तो इस पे कानून व्यवस्था और नू के इस पे जो है ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में लेकर आई थी। हमने जब स्पीकर साहब से पूछा कि हमारे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और ये जो है काम रोको प्रस्ताव जो है उनका क्या हश्र हुआ, तो उन्होंने कहा हमने लीगली एग्जामिन करने के लिए भेजा हुआ है ना, सो ये करके जो है उन्होंने हमारे को चुप कर दिया और फिर आगे प्रोसीडिंग शुरू हो गई। सो इसलिए आज हम पूछेंगे उनसे। ब्रजमंडल यात्रा जो है वो आज नू में निकल रही है, कानून व्यवस्था को लेकर वहां पर यात्रा को अनुमति नहीं दी गई है, इंटरनेट सस्पेंड है, लेकिन फिर भी यात्रा को लेकर क्या कहेंगी मैम, किस तरह से देखती है तमाम चीजें जो हुई है पिछले कुछ दिनों? सरकार की व्यवस्था साफ नजर आ रही है कि जब उनको यात्रा को अनुमति नहीं दी गई है और फिर भी वो निकाल रहे हैं तो फिर तो इस सरकार के बल्ले रह क्या गया, नंबर वन। नंबर दो, ये बात जो है देखो हरियाणा 36 बिरादरी का भाईचारे का प्रदेश है और यहाँ भाईचारा हमेशा से कायम रहा है और उस भाईचारा को खराब करने की कोशिश किसी भी तरफ से अगर करी जाती है तो इससे ज्यादा गलत काम और गंदा काम मैं समझती नहीं होगा।
वरिष्ठ नेत्री कांग्रेस की किरण चौधरी हैं, साफ तौर पर यह कहना है कि कृषि मंत्री की ओर से जिस तरह से प्रिविलेज मोशन लाने की बात पहले ही विधानसभा के बाहर ही कर दी गई है, उनके खिलाफ जो है वो प्रिविलेज मोशन या कानूनी लड़ाई जो भी लड़नी पड़ेगी उसको लड़ेंगे। इसी के साथ साथ आज कांग्रेस जो है उन्हों के मुद्दे पर कहीं ना कहीं विधानसभा में आवाज उठाती नजर आएगी। विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।